बच्चों जो आपने अभी ए आई टी एस थ्री दिया था ये उसका जोलॉजी का सलूशन है पेपर वैसे मिक्स टाइप का था और कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो उसको यहाँ हम वन बाय वन करके देखेंगे सिलेबस जो था हमारा वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और एक छोटा सा चैप्टर है स्ट्रेटेजी फॉर एनहैंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन दैट इज एनिमल हस्बेंड्री क्लियर तो सीधा जो है ज्योलॉजी के क्वेश्चन पेपर पे चलते हैं और ये क्वेश्चन है इसका गुड ह्यूमर क्वेश्चन है ये और आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे राइट क्योंकि विलियम हार्वे जो है वो इन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था और थर्मोमीटर के हेल्प से टेम्परेचर मेजर करके और ऐसे पर्सन में जिसमें ब्लैक बाइल है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था एंड फाइनली ही डिस्प्रू गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है 152 इन लेटर इयर्स बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम और यहां न्यूरल सिस्टम के अलावा दूसरा कौन सा हो जाएगा तो ये है एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ तो ये बिल्कुल एनसीआरटी का स्टेटमेंट है एक बार आप चेक कर लेना सो बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम एंड आवर इम्यून सिस्टम दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ तो ए हो जाएगा एंडोक्राइन सिस्टम और बी हो जाएगा इम्यून सिस्टम स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एनसीआरटी का स्टेटमेंट है नेक्स्ट है 153 इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज और इसमें क्या क्या है देखिए स्टेटमेंट देख लीजिए ह्यूमन हेल्थ इज अफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन्फेक्शन एंड लाइफ ये करेक्ट स्टेटमेंट है नाउ बैलेंस डाइट पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है एनसीआरटी की लाइन है यह ध्यान रखना अमंगस द इनफेक्शियस डिजीज कैंसर इज द मेन कॉज ऑफ डेथ तो कैंसर इज द मेन कॉज ऑफ डेथ यह ठीक है बट इट इज नॉट इनफेक्सियस इट इज नॉन इनफेक्शियस डिजीज तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मीन्स यहां पर इनकरेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ऑल पैथोजन आर पैरासाइट बट ऑल पैरासाइड्स आर नॉट पैथोजन तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है नेक्स्ट है 154 करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है एनालॉजी देखिए कैसा है इनफेक्शियस डिजीज और इट इज रिलेटेड एड्स सिमिलरली नॉन इनफेक्शियस डिजीज तो में डिजीज चूज करना है तो ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया एंड टाइफॉइड ये इनफेक्सियस है But diabetes mellitus, it is -infectious. So, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन इन्फेक्शियस डिजीज डायबिटीज मेलेटस नेक्स्ट 155 सिंपल क्वेश्चन है विच अ वायरल डिजीज ट इज ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो तो सीधा ये चेक कर लेते हैं मलेरिया जो है ये प्रोटोजोन डिजीज है वायरल नहीं है फाइलेरियासिस कॉज्ड बाय एस्के एंड एस्केरिया इट इज ऑल्सो एस्केलमें तो सिंपली वायरल डिजीज यहां पर चिकनगुनिया है एंड

राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड कोज करता है इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट देख लीजिए कॉमन कोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इनफेक्शियस डिजीज विच इज कोज बाय राइनो वायरस ठीक है ये स्टेटमेंट आप एनसीआरटी में एस देख सकते हैं वहां चेक करना तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है नाउ द इनफेक्ट होल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स बस यहां थोड़ा सा इनकरेक्ट है जो कॉमन कोल्ड है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करेगा बट नॉट लंग्स ठीक है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा आपका सेकंड बाकी थर्ड देखिए डिजीज कॉज बाय रायनोवाइरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन इधर इन डायरेक्टली और थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट भी सही है ठीक है एज अ स्टेटमेंट एंड सिम्टम्स ऑफ कॉमन कोल्ड यूजली लास्ट फॉर थ्री टू सेवन डेज ये स्टेटमेंट भी सही है तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो सेकेंड होगा द इनफेक्ट होल ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स लंग्स को ये अफेक्ट नहीं करेगा दैट्स इट इज इनकरेक्ट नेक्स्ट है सेवन ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एक्सेप्ट ये आप देख सकते हैं इजीली तो डेंगू जो है वो वायरल डिजीज है अदरवाइज डिप्थीरिया इवन प्लेग एंड डिसेंट्री ज बाय बैक्टीरिया तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा डेंगू मतलब इजी क्वेश्चन है करेक्ट आंसर इज डेंगू फोर्थ ऑप्शन है राइट right? नेक्स्ट है वन फिफ्टी एट थोड़ा दिखने में बड़ा लग रहा है बट आसान सा क्वेश्चन है देख लीजिए करेक्टली कैटेगराइज करना है विद वन एक्सेप्शन तो एक्सेप्शन दिया हुआ है एक्सेप्शन वन बाकी करेक्ट देखना है तो जो पहला है मलेरिया डिसेंट्री, ट्राइकोमोनियासिस। ये सारे प्रोटोजोन डिजीज है ठीक है तो कैटेगरी सही है बट एक्सेप्शन दिया है ट्राइकोमोनियासिस तो ये भी ट्राइकोमोनियासिस भी प्रोटोजोवाई है इसलिए एक्सेप्शन नहीं होगा राइट देन माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन ये फंगल पैरासाइट है और एपिडर्मोफाइटन ये भी फंगस है तो एक्सेप्शन नहीं हुआ सिमिलरली टाइफाइड न्यूमोनिया एंड कोलेरा ये सारे बैक्टीरियल डिजीज हैं बट कोलेरा इज आल्सो बैक्टीरियल डिजीज सो इट इज नॉट एक्सेप्शन देन डेंगू चिकनगुनिया एंड टेटनस तो वायरल डिजीज है बट इस तो टेटनस इस इसका एक्सेप्शन है और हमें फाइंड आउट करना था वन एक्सेप्शन तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है फोर्थ नेक्स्ट हाँ, है 159 फिफ्टी नाइन फिशरीज इंक्लूड्स रियरिंग कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ ऑल द फॉलोइंग एनिमल्स एक्सेप्ट तो फिशरीज बेसिकली कल्चर होता है एक्वेटिक एनिमल्स का जिन्हें फूड के लिए ग्रो करते हैं ठीक है तो यहां शेल फिश होंगे बॉन्डी फिशेस होंगे क्रे फिश भी होंगे बट जो सिल्वर फिश है ये है लेपिसमा आर्थ्रोपोड है विंगलेस इंसेक्ट है और इसे एज अ फूड ग्रो नहीं करते हैं सो अल्टीमेटली एक्सेप्शन में आ जाएगा सिल्वर फिश दट इज ट्रू फिश नेक्स्ट है 160 और यहां आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग द डेरी फार्म मैनेजमेंट और स्टेटमेंट है मिल्क एल्ड इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फार्म ये बात बिल्कुल सही है बिकॉज क्वालिटी ऑफ ब्रीड इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन डेयरी फार्मिंग नेक्स्ट तो यह स्टेटमेंट सही हो जाएगा नेक्स्ट द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट विद स्पेशल एम्फेसिस ओनली ओनली ऑन क्वालिटी इट इज नॉट ओनली क्वालिटी बट ऑल्सो ऑन क्वांटिटी तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कंसीडर करना पड़ता है जबकि यहां बोला है ओनली ऑन क्वालिटी तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सेकेंड बाकी क्लीनलीनेस होता है ये करेक्ट है रेगुलर विजिट ऑफ वेटनरी डॉक्टर इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट है 161 बहुत इजी क्वेश्चन है देख लीजिए आप इसे एनिमल हजबेंड्री मेनली डील्स विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ एनिमल हस्बेंड्री तो यह है डील्स विद केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ लाइव स्टॉक सेकेंड ऑप्शन इजी है सिमिलरलीस इज रिलेटेड विथ तो जैसे एनाफिलिज मॉस्क्यूटो मलेरियल पेरासाइट को ट्रांसमिट करेगा क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है एक इसको ट्रांसमिट करेगा तो ये ट्रांसमिट करता है फाइलेरियासिस और इवन इट इज आल्सो कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस राइट तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये फाइलेरियासिस नेक्स्ट है 163 इजी क्वेश्चन है बिल्कुल एनसीआरटी में जो डायग्राम दिए हुए उससे बहुत क्लियरली समझ में आता है इन्फेक्स स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द हिपेटोसाइट तो जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो हमारे बॉडी में जो एंटर करेगा वो पार्ट है स्पोरोजोइट और वही ब्लड के थ्रू लिवर में जाएगा और हिपेटोसाइट में एंटर करेगा तो जो स्टेज प्लाज्मोडियम की हिपेटोसाइट में एंटर करती है दैट इज स्पोरोजोइट थर्ड so, आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है 164। सिंपल है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन आप देखिए क्या है इस फर्स्ट नेचुरल किलर सेल्स आर द पार्ट ऑफ इननेट इम्यूनिटी ठीक है तो नेचुरल किलर सेल सेलुलर बैरियर है इनट इम्यूनिटी का एंड प्रेजेंट सिंस बर्थ इनट इम्यूनिटी का मतलब ही सीधा है कि सिंस बर्थ जो हो अगर आफ्टर बर्थ जो डेवलप होता है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा स्टेटमेंट ये करेक्ट है इनट इम्यूनिटी टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर आफ्टर बर्थ क्वायर आफ्टर बर्थ जो होगा वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगा नॉट इन नेट इम्यूनिटी तो यह हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट नास्ट सेल्यूलर बैरियर आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू तो जो ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यह सेल्युलर बैरियर नहीं होता है ठीक है ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए टी लिम्फोसाइट्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सो अल्टीमेटली ये रॉन्ग हो जाएगा तो so, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बचता है ओनली ए बिकॉज ग्राफ्ट रिजेक्शन ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है बैरियर नहीं बैरियर इन इम्यूनिटी का पार्ट है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर नेक्स्ट है 165. चूज द इनकरेक्ट मैच विद रेस्पेक्ट टू द डिजीज एंड कॉजेटिव एजेंट्स तो डिजीज है फाइलेरियासिस बाय फाइलेरिया मेलाई और बेनक्राफ्टी तो ये करेक्ट है मतलब सही मैचिंग है रिंगवॉम एपिडर्मोफाइटन ये भी सही है फंगल डिजीज है मेलेग्नेट मलेरिया मेलेग्नेंट मलेरिया इज नॉस्ट बाय इट कोज बाय प्लाज्मोडियम तो इनकरेक्ट ये हो जाएगा अदरवाइज़ टेटनस, क्लोस्टिडियम टेटनाइ ये सही है तो so, ये तीनों सही है जो इनकरेक्ट है वो मेलेग्नेंट मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इनकरेक्ट है इट शुड बी प्लाज्मोडियम फेलसीफेरम सो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इसमें वन सिक्सटी सिक्स Now sexual stage of Plasmodium called gametocytes undergoes gametogenesis means formation of gametes. So, gametocytes ये mosquito infected person के blood से suck करेगा और फिर उसके gut में gametocyte develop होकर के gametes बनाएंगे. That is gametogenesis. तो so, site कौन सी होगी जहाँ पे gametogenesis होगा? ये हो जाएगा gut of female Anopheles. ठीक है और इसके लिए भी आप एनसीआर में जो डायग्राम दे रखा है वो आप रेफर कर सकते हैं बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है 167 सिक्सटी सेवन विच ऑर द फॉलोइंग एक्ट इज अकेनिकल कैरियर टू सर्व टू ट्रांसमिट एंटमीबा स्टोलाइटिका फ्रॉम फेसेस टू द इनफेक्टेड पर्सन टू फूड और ये मैकेनिकल कैरियर होते हैं इसमें हाउस फ्लाई फॉर एंटामेबास्टोलाइटिका और सो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट है 168। सिक्सटी एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद ट्रांसमिशन ऑफ रिंगवोम एक्सेप्ट मीन्स जो फंगल डिजीज है रिंग वो किस किस मोड से ट्रांसमिट होता है वट आर द मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो यूज ऑफ क्लोथ्स ऑफ इंफेक्टेड पर्सन हाँ बिल्कुल सही बात है और कफिंग एंड स्नीजिंग फंगल इंफेक्शन कफिंग एंड स्नीजिंग के थ्रू स्प्रेड नहीं होगा तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड अदरवाइज इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉइल और ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉम्ब ऑफ इंफेक्टेड पर्सन द करेक्ट ऑप्शन विल भी सेकेंड नैक्स्ट है वन सिक्सटी नाइन इन करेक्ट आपको फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग डिजीज एंड देर मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये है डिजीज एंड दिस इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ठीक है दिस इज डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो टाइफॉइड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर और आपको क्लासिकल स्टोरी भी याद होगी मैरी मेलन वाली सो टाइफाइड कैन बी ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये स्टेटमेंट सही है नेक्स्ट निमोनिया तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रॉपलेट इंफेक्शन ये भी सही हो जाएगा एज अ स्टेटमेंट फिलेरियासिस फिलेरियास इज कोज बाय इनफेक्टेड वैक्टर एंड इज क्यूलैक्स फीमेल क्यूलैक्स मॉस्कटो चिकनगुनिया मैकेनिकल वैक्टर हाउस फ्लाई ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा चिकनगुनिया एंड डेंगू ट्रांसमिटेड बाय एडिय मॉस्किटो तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट वन सेवेंटी प्रोटीन सबस्टेंस सिक्रेटेड फ्रॉम वायरस इन्फेक्टेड सेल इज कॉल्ड एज इंटरफेरॉन एंड विच प्रोटेक्ट तो जो इंटरफेरोन होते हैं वो इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करती है और प्रोटेक्ट करती है नॉन इन्फेक्टेड सेल को फॉर फर्दर वायरल इन्फेक्शन तो ऐसे में इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट 171 सेवेंटी करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है और स्टेटमेंट है फीमेल एडीज मॉस्किटोज आर कॉजिटिव एजेंट ऑफ डेंगू इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया देखिए एडीज मॉस्किटो एज अ वेक्टर तो है बट पॉजिटिव एजेंट नहीं है ठीक है तो यह सही नहीं होगा स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली रेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय द यूज ऑफ वैक्सीन स्टेटमेंट सही है और डिजीज लाइक पोलियो डिप्थीरिया कैंसर इट इज नॉन डिजीज तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा इम्यून सिस्टम डज नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑटो इम्यून डिजीज ऑटोन में इम्यून सिस्टम की वजह से ही होगा तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो होगा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये होगा स्मॉल पॉक्स इज कम्पलीटली रेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड बाय द यूज ऑफ वैक्सीन सो करेक्ट आंसर विल बी सेकेंड राइट, right? नेक्स्ट 172, सेवेंटी टू शॉर्ट लिव्ड इम्युनिटी एक्वायर फ्रॉम मदर टू फिटर्स अक्रॉस प्लेसेंटा इटेगराइज तो अगर मदर टू फिटर्स इम्यूनिटी होती है मिस मदर से फिटर्स में प्लेसेंटा के थ्रू आईजीएम ट्रांसफर होती है एंटीबॉडी एंड दैट इज नेचुरली तो अगर नेचुरली ट्रांसफर हो रही है और रेडीमेड एंटीबॉडी आ रही है तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही तो पैसिव पैसिव इम्यूनिटी है इट इट इज इज नेचुरल नेचुरल सो इम्यूनिटी बिकॉज एक्टिव इम्यूनिटी में तो हम एंटीबॉडी खुद होस्ट में बनती है और पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडी प्री प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में देते हैं क्लियर सो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट है 163. IGA इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम सीक्रेटेड बाय मेमोरी ग्लैंड ऑफ मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इट इट प्रोवाइड तो IGA मींस ये रेडीमेड एंटीबॉडी न्यू को दे रहे हैं सो अल्टीमेटली और ये पैसिव इम्यूनिटी है रेडीमेड है इवन नेचुर है और ये दे रहे हैं इन्फेंट को क्लियर तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी दैट डेवलप इन इन्फेंट आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर क्लियर नेक्स्ट है 174 और स्टेटमेंट है व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन अनरिलेटेड एनिमल्स पॉइंट नोट करें ऑफ सेम ब्रीड हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स फॉर फोर टू सिक्स जनरेशन एक सिचुएशन तो ये सेम ब्रीड हो सकता है इवन और बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स इट कैन बी बिटवीन डिफरेंट ब्रीड्स और इवन डिफरेंट स्पीसीज तो ब्रीडिंग ये कौन सा आंसर हो जाएगा बिकॉज एक होता है इनब्रीडिंग जिसमें रिलेटेड एनिमल्स के बीच में मेटिंग करवाते हैं और दूसरा होता है आउटब्रीडिंग जिसमें अनरिलेटेड मेंबर्स के बीच में मैटिंग करवाते हैं तो ये आंसर हो जाएगा आउटब्रीडिंग, राइट? नेक्स्ट 175, हाउ मेनी इंटरचेंज डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू ऑफ मोनोमेरिक एंटीबॉडीज? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे टू क्लियर ये आप एनसीआरटी में डायग्राम देख सकते हैं बहुत क्लियरली समझ में आएगा नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है गिवन स्टेटमेंट में से माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटोइम्यून इम्यून डिजीज सही है सिरोसिस ऑफ लिवर कॉजेज ड्यू टू क्रॉनिक इंटेक ऑफ अल्कोहल लंबे समय तक अल्कोहल लेते हैं तो सिरोसिस होगा राइट right? जर यूज टू ट्रीट द डिप्रेशन ठीक है ये भी सही है नाउ थाइमस इज अ लार्ज रिजर्वायर ऑफ इरेट्स इट इज लार्ज रिजर्वायर ऑफ लिम्फोसाइट्स तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा फोर्थ नेक्स्ट है 177। और यहां दिया हुआ है देखिए टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं स्टेटमेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून इज एज मीडिएूमरल रेस्पॉन्स तो यह स्टेटमेंट ट्रू है अब सेकेंड स्टेटमेंट वेन सम ह्यूमन ऑर्गन लाइक हार्ट आई लिवर किडनी फेल्स टू फंक्शन सेटिस्फैक्ट्रीली ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी टू एनेबल द पर्सेंट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ तो ये भी बिल्कुल सही है तो so, ऐसे सिचुएशन में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं अगर वो ऑर्गन फंक्शन नहीं करते हैं प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तो बहुत स्टेटमेंट आर करेक्ट थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेक्स्ट है टेबल फॉर्म आफ्टर स्नेक बाइट तो एंटीवेनम बेसिकली कंटेन एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नेक वेनम और अगर हम एंटीबॉडी प्री फॉर्मड फॉर्म में दे रहे हैं तो ये इम्यूनाइजेशन हो जाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन सेकेंड आंसर हो जाएगा पैसिव इम्यूनाइजेशन नेक्स्ट है कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट तो जो बीज है हनी बीज ये पॉलिनेशन एफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं अल्टीमेटली क्रॉप इल्ड इंक्रीज होती है और हनी का प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है ठीक है बट फर्टिलिटी ऑफ सोयल में इनका कोई रोल नहीं होता, so ultimately correct answer will be four. फर्टिलिटी ऑफ सोयल. Next है, which of the following technique is used to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue by using non-ionizing radiation? so even radiotherapy tomography यहां आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज करते हैं बायोप्सी में रेडिएशन यूज नहीं करते बट इन केस ऑफ एम आर आई हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं अलोंग विद नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर एम आर आई नेक्स्ट है कंप्लीट द एनालॉजी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन मीन्स लाइक जर्सी इंप्रूव्ड ब्रीड ऑफ कैटल सिमिलरली लेगहॉर्न एक किसका इंप्रूव ब्रीड है दिस इज इंप्रूव ब्रीड ऑफ चिकन ठीक है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नक्स्ट इन करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है इसमें रिगार्डिंग स्मोकिंग क्लियर स्मोकिंग पेज द वे ऑफ हार्ड ड्रग्स नहीं ऐसा नहीं होता है तो स्मोकिंग से हार्ड ड्रग्स लेने के लिए जो पाथ है वो ओपन नहीं होता है दैट इज नॉट द पाथ वे टू टेक डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट अदरवाइज बाकी देख लेते हैं टोबेको यूज इन स्मोकिंग कंटेन एंड अल्कोलोइड निकोटिन ये स्टेटमेंट सही है निकोटिन स्टिमुलेट एडल ग्लैंड टू तो रिलीज एंड दैट इंक्रीजेस हार्ट रेट ये भी सही है स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोक्साइड कंटेंट इन द ब्लड एंड कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशियन दॉडी तो एज ए स्टेटमेंट ये भी सही है तो so, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा फर्स्ट नेक्स्ट है वन एटी थ्री करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है रिगार्डिंग इन ब्रीडिंग नाउ डेवलपिंग प्योर लाइन इन केटल इज टोटली डिफरेंट इन कंपेरिजन टू डेवलपिंग प्योर लाइन इन पी प्लांट बाई मैंडल डिफरेंट नहीं है दोनों सिमिलर है तो यह स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट ना इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मलेस डोमिनेट जींस ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इनब्रीडिंग एक्सपोजेज हार्मुल रेसेसिव जीन्स तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा ना थर्ड Inbreeding also helps in accumulation of superior genes and elimination of less desirable gene by the process of selection. So, this is correct. Next, inbreeding depression can be overcome by mating related superior animals of different breeds. This is wrong. correct answer is third. Now, one eighty-four. Which of the following is not an इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ ड्रग जैसे ही ड्रग लेना शुरू करते हैं इमीडिएट इफेक्ट कौन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा या कौन सा लॉन्ग टर्म इफेक्ट है तो तो यहां हमें देखना है रेकलेस बिहेवियर एंड ये इमीडिएट इफेक्ट होते हैं बट सिरोसिस इन केस ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन डेवलप आफ्टर अ लॉन्ग टाइम

ऐसा नहीं है बिकॉज अब वो चाइल्ड नहीं है डेवलपमेंट हो गया है सो ही कैन पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज रिलेटेड विद द सोसाइटी तो ये वाला इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा बाकी एडोल ब्रिज लिंकिंग चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड ये एज अ स्टेटमेंट सही है एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द सर्टन इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल एज अ स्टेटमेंट ये भी सही है तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ज स्टेटमेंट तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है सेकेंड और 186 एटी सिक्स यहां हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है सो so, मॉर्फिन के रिगार्डिंग इट बाइंड टू अपॉइड रिसेप्टर प्रेजेंट इन सी एन एस एंड गैस्ट्रो इंटरस्टल ट्रैक्ट बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीआरटी में क्लियर लिखा हुआ है तो so, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा एज अ स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें कॉमनली कॉल्ड हेरोइन इज केमिकली डाई यहां लिखा है इथाइल मॉर्फिन वेयर इज इट इज डाई एसीटाइल मॉर्फिन तो करेक्ट क्या हो जाएगा इट इज डाई एसीटाइल मॉर्फिन तो डाइथाइल मॉर्फिन इनकरेक्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली ये हमारा आंसर होगा अदरवाइज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पेपर सोमनिफेरम ये भी ठीक है and depressant and slow down body function it is also correct so correct answer is second now next 187 which of the following statement is true regarding neoplastic cells in relation to mutation true statement you have to find out in relation to mutation so mutation inhibit production of telomerase टू इंक्रीज प्रोलीफरेशन ऑफ सेल्स देखिए अगर प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होना है तो टीलोमरेज एक्टिविटी इनक्रीज होनी चाहिए न की डिक्रीज होनी चाहिए तो यह स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा दूसरा म्यूटेशन इज प्रोटो ऑन्कोजेनिक एक्सेलेट द सेल साइकिल बिल्कुल सही है बिकॉज म्यूटेशन से अगर ओंकोजीन एक्टिव हो जाएगा और एज ए रिजल्ट एक्सेलरेट सेल साइकिल अदरवाइज थर्ड है म्यूटेशन म्यूटेशन एक्टिवेट तो, है, तो जो है वो एक्टिवेट नहीं करेगी टीलोमरेज इनिबेटर को ये सप्रेस करती है नाउ म्यूटेशन एक्टिवेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टेक्ट इनिबिशन तो कॉन्टेक्ट इनिबिशन लॉस होता है तो कैंसर होता है तो so, अल्टीमेटली यहां म्यूटेशन उसको एक्टिव नहीं करेगी द करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड नेक्स्ट केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबेको स्मोक तो जो केमिकल कार्सिनोजन है टोबैको स्मोक में दैट कॉज इज लंग कैंसर सिंपल है नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 करेक्ट ऑप्शन हमें फाइंड आउट करना है ठीक है आईजीएम आर लार्जेस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन आवर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स बिल्कुल सही है आईजीएम से लार्जेस्ट एंटीबॉडी एंड दैट फॉर्म ड्यूरिंग प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स करेक्ट स्टेटमेंट है ये दूसरा अनमनेस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू इनक्रीज इन नंबर ऑफ आई जी जी एंटीबॉडीज ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है सो करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट नेक्स्ट है वन नाइंटी करेक्ट मैच करना है आपको कॉलम्स को केमिकल कार्सिनोजन अब इनमें से देख लीजिए केमिकल कार्सिनोजन पर मिलेंगे तो केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबेको फिजिकल कार्सिनोजन कौन है तो ये हो जाएंगे आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आयोनाइजिंग लाइक एक्स एक रेस गामा रेज नॉन आयोनाइजिंग लाइक यूवी रेस नो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन तो बायोलॉजिकल कार्सिनोजन होंगे वायरसेस लाइक रेट्रो वायरसे। एंड प्रोटो ऑंकोजेंस सो प्रोटो ऑंकोजेंस आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल्स तो अगर इनको अरेंज करेंगे सही तरीके से तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वन नाइंटी एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टेमिंस एंड तो हिस्टेमिंस के अलावा कौन रिलीज होगा तो ये हो जाएगा सेरोटोनिन और हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन कौन रिलीज करते हैं तो ये मास्ट सेल्स ठीक है सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी थर्ड राइट नेक्स्ट Which of the following cell is majorly attacked by HIV? देखिए सिंपल है बहुत सिंपल क्वेश्चन है एच आई वी सेल्स जो है उनपे अटैक करते जिनपे सी डी फोर रिसेप्टर होते हैं तो इनमें से ये हो जाएगा आंसर हेल्पर टी सेल्स बिकॉज हेल्पर टी सेल्स का नंबर रिड्यूस होता है तो ही एच आई वी के मीन्स एड्स के सिम्टम अपीयर होते हैं नेक्स्ट है 193. नाइंटी लॉन्च्ड एच ओ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द वर्ल्ड पोलियो ड्रॉप्स नोटिस करें ओरल पोलियो ड्रॉप्स आर एडमिनिस्टर्ड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ बेबीज कंटेन तो ओरल पोलियो ड्रॉप का जो वैक्सीन है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सेबिन और सेबिन वैक्सीन जो है पोलियो ड्रॉप आर लाइव एटीनियड पोलियो वायरस सो करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन फोर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड आउट करना है और स्टेटमेंट देख लेते हैं इमेच्योर लिम्फोसाइट्स मेच्योर इन टू एंटीजन सेंसेटिव लिंफोसाइट्स इन प्राइमरी लिंफोड तो यह स्टेटमेंट सही है बोनमेरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वे आर ऑल फोर्म्ड एलिमेंट आर प्रोड्यूस्ड तो यह भी सही स्टेटमेंट है ना ओनली था प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ डी लिम्फोसाइड इट इज नॉट ओनली थाइमस बट ऑल्सो बोनमेरो बोनमेरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा यह हो जाएगा थर्ड क्लियर अदरवाइज लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड रिड्यूस इन साइज विद एज, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहां इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो ये हो जाएगा ओनली दस आंसर हो जाएगा थर्ड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 195, नाइनटी हियर इट इज असर एंड रीजन a person देखिए a person sensitive to some particles in environment on going hill may suffer from skin and respiratory allergic problems ठीक है तो अगर कोई सेंसिटिव पार्टिकल होते हैं जब कब हम कोई नई जगह जाते हैं उसके एनवायरनमेंट में तो हमें नॉर्मली एलर्जी होती है तो ये स्टेटमेंट सही है नाउ इन हिली रीजन कॉनिफर्स ट्री प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ विंड बोन पोलन ग्रेन तो जो पोलन ग्रेन रेस्परेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं तो एलर्जी कॉज करते हैं सो अल्टीमेटली ये रीजन भी सही हो जाएगा तो so, असरसन सही है एंड रीजन सही है इवन रीजन उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड Now next, what is the source of drug that interfere with the transport of dopamine as well as have a stimulating action of CNS? So dopamine ke transport ko jo affect karega wohe cocaine and that is obtained from erythroxylum coca. So the correct answer will be third. Now one

द करेक्ट आंसर विल बी फोर एंड द लास्ट इनकरेक्ट मेच आपको देखना है विच वन इज इन करेक्ट एक्वाकल्चर इट इज रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल्स ये एज अ स्टेटमेंट सही है ग्रीन रेवल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप ये सही है फिशिकल्चर फिश प्रोडक्शन ये स्टेटमेंट सही है एंड फॉर सुपर ओब्युलशन इट इज नॉट एल एच बट यहां होता है एफ एस एच लाइक एक्टिविटी हॉर्मोन दाइक एक्टिविटी तो ये हो जाएगा इन करेक्ट सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी फोर सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आई ए टी एस थ्री थैंक यू